बागपत रोड स्थित मिलेनियम पब्लिक स्कूल में आयोजित खेल प्रतियोगिता का फाइनल में रविवार को विजेता छात्रों को पुरस्कार वितरण किया गया। वहीं आपको बताते चलेंगे पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र पुरस्कार पाकर काफी उत्साहित दिखे। मिलेनियम पब्लिक स्कूल में प्रतिवर्ष के भांति खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सर क्या नाम है आपका और ये जो प्रोग्राम रखा आपने किस मामले को लेकर रखा है, किस वजह से रखा गया है? मैं अंकित मदन शर्मा हूँ, मिलेनियम पब्लिक स्कूल बागपत रोड मेरठ का चेयरमैन, और ये वार्षिक खेल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की जा रही है। और मुझे हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता को कर रहे हैं। इसका उद्घाटन 26 दिसंबर को हमारी शूटर दादी ने किया था और इसका समापन हम 1 तारीख को करेंगे नए साल में जनवरी सन 2020 को, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन श्री राजेश पांडे जी अपना आशीर्वाद देने बच्चों को आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा स्कूल पिछले कई वर्षों से खेल के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहा है उत्तर प्रदेश का। हमारे यहाँ के बच्चे दूर दूर इंटरस्टेट जाके खेलते हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष भी हमारे जो छात्र हैं